लो जी टेल बड़ा वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5। तो गाइस आज हम खेल रहे GTA 5 और आप देख सकते हो भैया यहाँ पे माइकल जो कि आराम कर रहा है अभी। तो आज के जो वीडियो में है वो हमें एक नई कार लेनी है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया था। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी गाइस उस वीडियो में हमने बोला था कि हमें एक SUV लेनी है, मतलब एक कार लेनी है जो कि इंडिया से इम्पोर्ट हुई है। तो यहाँ पे लॉस एंटोस में काफ़ी अच्छा एक स्पोर्ट कार मीट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं, मतलब माइकल वहीं पे जाने वाला है और वहाँ से एक अच्छी सी गाड़ी उठाएगा। तो आप तो आपने वीडियो देख ही लिया था कि ये हमारा जो मेंशन है ये माइकल ने लिया था, ठीक है। तो उसके पूरे पैसे माइकल ने पे कर दिया है, तो अब ये जो घर है ये हमारा हुआ गाइस फाइनली। तो फाइनली गाइस ये मेंशन हमारा हो चुका है, हमने पैसे पूरे पे कर दिए। बाकी अमांडा ने मना कर दिया यहाँ से आने में, तो ठीक है हम अकेले ही रहेंगे, मतलब माइकल अकेले ही रहेगा। तो बस अब हम जाने वाले हैं अभी अपनी गाड़ी को लेने, ठीक है। तो कार मीट का टाइम 10 बजे से है, तो अभी 9:30 है, तो हम निकलते हैं। हमें लगता है कि जाते जाते थोड़ा टाइम हमें लग सकता है, तो कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा फिर भी हम चलेंगे, ठीक है। तो चलो भैया नीचे चलते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है गाइस आज। और अभी चलता हूँ मैं, कपड़े सोचा हूँ यहीं पहन के जाते हैं, तो चलो भैया कपड़े यहीं पहन के जाएंगे। बाकी गाइस अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखो, तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगी। ये सीरीज चल रही है माइकल की, जहाँ पे माइकल ने एक नया मेंशन लिया है। बाकी आप माइकल का हेयर स्टाइल चेक कर सकते हो, मैंने इसके हेयर स्टाइल भी चेंज करा दिए है। बाकी काफ़ी लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल इसका लग रहा है, तो चलो मैं हेयर स्टाइल इसका चेंज नहीं कराऊंगा, यही हेयर स्टाइल रहेगा। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो मेरे व्यूअर्स जो होते हैं ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, जितने भी व्यूअर्स होते हैं अगर वो सब भी सिर्फ लाइक कर दिया करें अगर मेरे वीडियो पे, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैं एम करता हूँ, ठीक है, मैंने आज तक अभी तक एक बार भी किसी वीडियो में एम नहीं रखा है, तो इस वीडियो का मैं एम रखता हूँ 100 likes का। तो गाइस प्लीज़ 100 likes करा दो, मतलब जो भी पहले 100 बंदे देख रहे हैं मेरे वीडियो को, जैसे आके आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको पता ही चली जाएगा, आप जब देखोगे तो आप किस नंबर पे आप व्यू मतलब व्यूअर किस नंबर के व्यूअर हो, तो आप प्लीज़ ये सोच के कर दिया करो लाइक के, चलो मैं इतने नंबर का व्यूअर तो मुझे ये लाइक कर देना है। तो बस एक लाइक कर दिया करो और 100 like का एम्स है, मुझे लगता है कंप्लीट आप करवा सकते हो, तो कंप्लीट करा दो। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ बाइक लेके जाऊँ या फिर कार लेके जाऊँ, तो आप ये देख सकते हो मेरी बाइक कलेक्शन, तो आपको पता ही है यही हमारी बाइक कलेक्शन है। बाकी कार में मेरे पास काफ़ी सारे कार्स है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली कार आज उठा लेता हूँ, या फिर शोरूम के अंदर से एक अच्छी सी कार देख लेते हैं अगर शोरूम के अंदर से। अच्छा हाँ, आज मैं DC ले चलता हूँ, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में बताया था DC अवंती हमारे पास है, तो आज यही DC अवंती ले जाते हैं गाइज, ये रही हमारी DC अवंती, ठीक है। तो चलो भैया DC अवंती आज ले चलते हैं। जैसा कि आपको पता है DC अवंती जो है वो इंडिया की ही कार है, तो भाई साहब चलो। ओके गाइज, तो अभी हम DC अवंती लेकर चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे कार मीट में काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आए, तो देखेंगे वहाँ पे क्या सीन होता है। बाकी तो ये व्यू जो है ना भाई साहब बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन ये व्यू में, तो चलो मैं गाड़ी को पहले अपने बाहर निकाल लेता हूँ गाइस। ओके, यहाँ पे तो मेरे को रेस भी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, गाड़ी अपने आप ही चल रहा है, ठीक है। ये स्लोप ही ऐसा हमने बनवाया कि भाई साहब डीजल हमारा बचेगा, ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल खर्च नहीं होगा, भाई साहब बहुत ही तगड़ा पेट्रोल यहाँ पर बच सकता है। तो चलो भैया अवंती अपनी निकल ली है, अवंती भी काफ़ी स्मूथ चलती है, जैसा कि इंडिया में काफ़ी फेमस ये गाड़ी है, जैसे लैम्बोर्गिनी और फेरारी यहाँ पे लॉस एंटोस में फेमस है, वैसे ही अवंती वहाँ फेमस है। तो देख सकते हो भाई साहब ऑटोमेटिक गेट लगा रखा है हमने, तो गेट भी खुल गया, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स है ये हमेशा दिन रात सेवा करते हैं हमारे घर की। बाकी इनकी कार ये दो जीप है जैसे कि मैंने बताया था। तो चलो पहले मैं लोकेशन लगाता हूँ, मैं लोकेशन लगाना भूल गया, तो भाई सब लोकेशन तो बहुत ही खतरनाक जगह पे है, मतलब ये जो कार मीट हो रहा है गाइस ये काफ़ी दूर हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, हमें जाना ही पड़ेगा। तो चलो भैया चलते हैं, और पैसे की बात मत करना, पैसे आपको पता ही कि पैसे माइकल के पास कहाँ से आ रहे हैं। तो पैसे माइकल के पास आ रहे हैं इसलिए क्योंकि माइकल ने पुलिस की जॉब स्टार्ट कर दी गाइज, और आपको पता ही कि पुलिस के जॉब में कितने पैसे होते, तो माइकल के पास काफ़ी सारे इस तरीके से पैसे आ गए। तो माइकल ने भी सोचा यार चोरी की गाड़ी, अभी तक तो उसने चोरी की गाड़ी रखी थी, बट अब सोच रहा है कि भाई साहब अब अपने गाड़ी होनी चाहिए, मतलब अपने गाड़ी होने से मतलब एक अच्छा फील आता है, भाई साहब ऊपर से इमेज भी बनेगा क्योंकि अब पुलिस का जॉब कर रहा है, तो थोड़ा तो इमेज होना चाहिए। तो चलो भैया अभी तो लोकेशन पर चलते हैं कार मीट में, मुझे लगता है कि वहाँ पर सबसे महंगी जो गाड़ी है वो वही है, तो मैं वहाँ पर वहाँ चल के ही आपको बताऊँगा कि कौन सी वो गाड़ी है, तो अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ओके गाइस, तो ये फ्रैंकलिन के घर का रास्ता है, तो मुझे लगता है फ्रैंकलिन के घर पर जो ये रास्ता जाता था वही रास्ता शायद वही से है, देखेंगे अगर बीच में फ्रैंकलिन का घर आता है तो फ्रैंकलिन को भी वहाँ से पिकअप कर लेंगे। ओ भाई साहब अवंती अभी ठुक जाती है हमारी, तो भाई साहब बहुत ही मारता। और गाइस अवंती की ये कलर आप बताना कैसी लग रही है आपको। बाकी वो जो कार आज मैं लेने वाला वो SUV है, मैंने पहले सोचा रेंज रोवर ले लेने का, बट आपको पता ही कि रेंज रोवर फ्रैंकलिन के पास है, तो हमें रेंज रोवर नहीं लिया कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तो फ्रैंकलिन का ही ले लेंगे, या फिर एक दो बार फ्रैंकलिन से लेकर चला कर देखेंगे, भाई साहब रेंज रोवर अगर पसंद आती तो फिर हम वापस उसे भी खरीद लेंगे। वही है कि इसका जो सस्पेंशन है काफ़ी लो है, मतलब कम्पिटेटिव सस्पेंशन है, तो मतलब जहाँ रास्ता थोड़ा सा भी ऑफ रोड वाला जाता है तो वहाँ दिक्कत रहती गाड़ी चलाने में,
बाकी एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं आया, काफ़ी स्मूथ चलता है, देख सकते हो ये रोड जो है ना काफ़ी अच्छे है। तो वो जो एरिया जहाँ पे कार मीट हो रहा है गाइज, वो एयरपोर्ट के इलाका मतलब एयरपोर्ट के इलाके में आता है वो। तो वहाँ आपको आपको पता ही है कि एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी मतलब अमीर अमीर बंदे रहते हैं, लेकिन ऐसे भी माइकल भी काफ़ी अमीर है, ऐसा नहीं कि हमारी गरीबी है, तो माइकल भी काफ़ी अमीर है। तो कोई बात नहीं, हम गाड़ी खरीद लेंगे। ओके गाइज, तो हम रास्ता भूल चुके थे, बाकी कार मीट यहाँ पे हो रहा है, आप चेक कर सकते हो भाई साहब ये एरिया। ओके ओके सॉरी यहाँ पे ओके डॉलर पिल्स, ठीक है। तो डॉलर फिल फार्मेसी की जो ग्रॉसरी शॉप है तो इसके आसपास हो रहा है, पता नहीं शायद हो सकता ये एरिया यहाँ पे इन्हें पसंद आया हो। तो गाइज़ यहाँ पे कैमरामैन वगैरह सब आ चुके हैं, ठीक है। तो हम अपनी गाड़ी को कहीं यहीं बाहर साइड करते हैं, ठीक है। अंदर तो स्पेस नहीं लग रहा है मुझे, बाकी मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ गाड़ी को अपने, ठीक है। ये स्पेस, ये जगह भी सही है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को लगाते हैं। मीडिया वाला यहाँ पे फ़ोटो ले रहा है, बाकी भाई साहब काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे यार। ओ भाई साहब, ये सामने कौन सी गाड़ी है? ओके, तो ये बहुत ही ख़तरनाक गाड़ी। तो मैं एक आपको एक तरफ से लेकर दिखाता हूँ सारी गाड़ियाँ। तो चलो भैया आगे से, भाई भीड़ देखो यार यहाँ पे, यार बहुत ही ख़तरनाक भीड़ लगा रखा है। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पे कार मीट हो रहा है गाइस। तो कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कार मीट, ठीक है। इधर भी कुछ गाड़ियाँ हैं, तो आपको एक एक करके मैं सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ, और फिर हम कौन सा लेने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक जीप लगी है, बाकी इधर दो गाड़ियाँ, पता नहीं कैसी गाड़ी है, बाकी आप चेक कर सकते हो। इधर तो कुछ खास गाड़ी नहीं है, तो खास गाड़ी आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसका इंटीरियर भी आपको बैठ के दिखा दूंगा क्या कैसा उसका इंटीरियर है। बाकी देख सकते हो, इस बंदे ये बंदा यहाँ पे फ़ोटो ले रहा है कार की। तो यहाँ पे लाउड है। ओ भाई साहब, ये मर्सिडीज़ है क्या? ओके, मर्सिडीज़ नहीं है, मुझे लगा मर्सिडीज़ है क्या, ये मर्सिडीज़ ऐसी कार लग रही है। ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, ठीक है। ये गाड़ी कौन सी यार, मुझे काफ़ी सही लग रही है ये वाली गाड़ी। ये एसयूवी है, कौन सी अब ये नहीं पता। बाकी देख सकते हो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बाकी ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है। ओ गाइस, ये देखो ये गाड़ी चेक करो यार, ये भी काफ़ी सही लग रही है। ओके, यहाँ पे ये बंदा, ओ भाई साहब ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है बड़े लोग हैं ये सब, ठीक है। तो चलो फिर इधर देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है, देखते हैं यार। अच्छा, ये मतलब स्टॉल वगैरह लगा रखा है कुछ खाने पीने की चीज़ वगैरह, जैसे भूख वूख लग गई तो भाई साहब यहाँ पे खाने वाने का। ओके, तो छोड़ो अब इनसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ी भी है और फर्स्ट हैंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैसे जो वहाँ पे डीलर आए हुए उन पे डिपेंड करता है, तो हम अच्छे डीलर से ही गाड़ी लेंगे। और भाई साहब ये माइकल की बेटी यहाँ पे क्या कर रही है, भाई साहब ट्रेसी क्या कर रही है यहाँ पे? तो छोड़ो, हमें आपको पता ही है कि क्या सीन है हमारा। तो ट्रेसी और अमांडा वगैरह हमारे साथ अब नहीं रहते, तो मुझे उनसे मतलब नहीं है। बाकी ये वाली गाड़ी भी चेक करो, काफ़ी सही लग रही है। ओके, ये गाड़ी देखने आए हैं, पबजी खेल रहे हैं यहाँ पे, देख लो यार। ये देखो कार मीट में आके पबजी खेल रहे हैं यहाँ पे ये लोग, बहुत सही। ओके गाइस, तो यहाँ पे बाइक भी है यार, बाइक तो काफ़ी अच्छी है। कौन सी बाइक है, देखो जरा बैठ के इस पर यार, BMW लग रही है। तो ओ भाई साहब, अबे हेमलेट क्यों लगा लिया माइकल, उतर उतर, पता चले यहाँ पे पैसे वैसे मांगने लगे भाई साहब, फाइन वाइन लगा दिया कुछ। ओके गाइस, तो सामने चेक कर सकते हो, ये है हमारी कार भाई साहब। अभी भी गैस करो कौन सी कार है, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार कौन सी कार है, बिना आगे देखे हुए अभी कमेंट कर दो कौन सी गाड़ी है, ठीक है। बता देता हूँ, तो ये है फोर्ड की एक्सप्लोरर गाइस, देख सकते हो यहाँ पे आगे लिखा भी है, फ्रंट चेक कर सकते हो यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्लोरर, ठीक है। तो एक्सप्लोरर है फोर्ड का, ये काफ़ी ख़तरनाक SUV है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी कम्फर्टेबल, और भाई साहब महंगी भी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हो यार एक्सप्लोरर काफ़ी सही लुक है इसका, ठीक है। थोड़ी बहुत रेंज रोवर जैसी दिखती है, लेकिन रेंज रोवर से अच्छा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। महंगा तो नहीं रेंज रोवर कितना, बट रेंज रोवर की तरह ही है, ठीक है। तो भैया ये है डीलर मैन, ठीक है, जो यहाँ पे इस गाड़ी की डील कर रहे हैं। ये इंडिया से जो भी डील होता है इनको ये देखते हैं शायद, मुझे लगता है। और एक सर पीछे भी है शायद, हो सकता है ये भी डील कर रहे हो, तो मैं बात कर लेता हूँ। ओके गाइज, तो डीलर यहीं पे यही है, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। तो ओके गाइज, हमारी यहाँ पे बात हो चुकी है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है भैया डील कर देते हैं डीन। तो हमने यहाँ पे गूगल पे से इनको सारा पेमेंट कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट ही अभी चल रहा है, ठीक है। तो लॉस एंटोस में तो ऑनलाइन पेमेंट ही चलता है। तो फाइनली ये गाड़ी हमारी हुई, तो मैं सोचा एक फ़ोटो इस गाड़ी के साथ ले लिया जाए, ठीक है। तो फ़ोन निकालते हैं, देरी किस बात की है, अगर सेल्फी लेते हैं और इंस्टाग्राम पे डाला जाएगा, ठीक है, आ जाना चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ से फ्रंट से तो काफ़ी सही फ़ोटो आ रहा है। चलो भैया, तो यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने ले ली है और इसे सेव कर लेते हैं, बाद में हम अपलोड करेंगे टाइम मिलते ही।
ओके गाइस, तो हमने फ़ोटो ले लिया यहाँ पर, गाड़ी हमारी फाइनली हो चुकी है। बाकी आप गाड़ी देख सकते हो यहाँ पे, यही सब गाड़ी है ठीक है। यहाँ पे कुछ ओल्ड व्हीकल यहाँ पे कुछ है और कुछ नए व्हीकल भी है ठीक है। तो भाई साहब ये देखो गाड़ी खरीदने के बाद कैसे कूद रहे बंदे। तो चलो भैया हम अपनी गाड़ी को यहाँ से उठाते हैं और सीधा अपने घर चलते हैं। तो आप गाइस नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि गाड़ी कैसी है, कलर कैसी है। अगर आप बोलोगे तो मैं कलर भी चेंज करा लूँगा। बाकी मैं गाड़ी लेकर निकलूँ किधर से यार, रास्ता तो मुझे किधर से भी नहीं दिख रहा है। तो ओके मुझे लग रहा है सामने से ही निकालना पड़ेगा, तो मैं गाड़ी को सामने से निकालता हूँ पहले। रुक जाओ यार, चारों तरफ तो बंद ही है। सॉरी 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 सॉरी, अबे यार गाड़ी पहले ही ठुकने लगी यार यहाँ यहीं पे। ओके गाइस, तो मेरी गाड़ी फाइनली यहाँ पे निकल गई, बहुत ही दिक्कत हुआ ठीक है। तो चलो फिर गाड़ी को लेकर अब हम सीधा घर चलते हैं ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी सही जा रही है गाइस ठीक है। वैसे इसमें कुछ एग्जॉस्ट वगैरह है नहीं ठीक है, जो फायर फ्लेम्स वगैरह छोड़ते हैं वो वाले एग्जॉस्ट है नहीं। तो आप बोलोगे तो मैं उसे भी लगवा लूँगा। बाकी आप स्पीड बताओ, स्पीड कैसी जा रही है इसकी? स्पीड तो काफ़ी हद तक ठीक है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं जा रहा है वो। भाई साहब ये देखो साइमन का शोरूम ठीक है। तो बात तो थी हमारी साइमन से, लेकिन साइमन इस गाड़ी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बता रहा था। वो कह रहा था कि इंडिया से इंपोर्ट कराने का काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बाकी कार मीट में गाड़ियों की जो प्राइस होती है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बीच में कोई भी जो दलाली वाला काम होता है ना, जो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ज़्यादा होता है, तो वो दलाली वाला काम यहाँ पे नहीं हुआ ठीक है। तो हमने बिना दलाली के ये गाड़ी ख़रीदा है, तो हमें ज़्यादा प्राइस नहीं लगा ठीक है। तो सीधा में हाथों हाथ गाड़ी भी मिल गई है और गाड़ी भी सही है, मतलब कोई नकली माल तो है नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी गाड़ी की कंट्रोलिंग काफ़ी सही है, आप चेक कर सकते हो, मतलब काफ़ी स्मूथ है गाड़ी कंट्रोल हो रहा है यहाँ से। ओह मैं गलत लोकेशन में जा रहा हूँ, तो जाएंगे इसे टर्न करते हैं। भाई साहब गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, तो मैं सोचा इस गाड़ी को मैं हमेशा के लिए रखूँगा। बाकी बेच भी सकते हैं, देखेंगे जैसा जो हिसाब लगेगा। अगर रेंज रोवर हमें खरीदना हो तब तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगी महंगी दो गाड़ियाँ तो हम रख नहीं सकते हैं ना। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये गाड़ी मुझे रखनी चाहिए, अभी तो फिलहाल तो रखूँगा ही। तो आप बस ये कमेंट करो कि इसको मॉडिफाई कराऊँ या ना कराऊँ, मतलब जैसे इंजन मॉडिफाई कराने पे इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो इंजन मॉडिफाई कराऊँ। बाकी कलर आप बताओ यार, कलर कैसी लग रही है ठीक है। तो आप कुछ इसके अब सिनेमेटिक व्यू देखो गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आप सिनेमेटिक्स व्यू यहाँ से चेक कर सकते हो गाड़ी की।